हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्रिकेट टॉक शो टीवी के एक और नए धमाकेदार एपिसोड में। आज की वीडियो होने वाली है दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर। जानेंगे दिल्ली कैपिटल्स टीम का स्क्वाड क्या है, बल्लेबाजी क्या है, ऑलराउंडर्स क्या है एंड बॉलर्स क्या है। उसके बाद बात करेंगे ऋषभ पंत की, क्या ऋषभ पंत आईपीएल 2024 खेलने वाले हैं और खेलेंगे तो किस प्रकार खेलेंगे, अगर खेलेंगे तो विकेट कीपिंग करेंगे नहीं, इंपैक्ट प्लेयर का क्या रूल रहेगा, कौन सा वो प्लेयर होगा जो कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, तो काफी कुछ है वीडियो में बताने के लिए। एंड जाते जाते आपको बताएंगे आईपीएल 2024 में क्या रहेगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की परफेक्ट बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। तो काफी कुछ है वीडियो में बताने के लिए, जुड़ी रहेगा वीडियो के साथ अंत तक। और अंत में आकर अगर वीडियो पसंद आती है तो फिर दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे दिल्ली कैपिटल्स टीम का स्क्वाड। तो बल्लेबाजी से शुरुआत करेंगे, तो बल्लेबाजी के तौर पर है इनके पास ऋषभ पंत, डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, अभिषेक शिवपुरल, यश धूल, इसके बाद है फिर हैरी ब्रूक्स, जेसन स्टर्ब, रिकी बॉय, कुमार कुशाग्र, जिनको एक बहुत ज्यादा पैसे देकर खरीदा गया है, और रिकी बॉय की एंट्री हुई है, वापसी हुई है आईपीएल में। इसके बाद फिर है स्वस्तिक चिकारा एंड लास्ट है फिर शाई होप जो कि एक ओडीआई प्लेयर है, टेस्ट प्लेयर है, उनको भी अब मौका मिला है बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस। तो एक अच्छे प्लेयर है, अगर आप देखा जाए उनको अगर खेलने का मौका मिले तो अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे आपको। ऐसा नहीं है 180 175 150 के स्ट्राइक रेट पर भागेंगे, लेकिन जब भी अगर जरूरत पड़ेगी तो क्रूशल रन ये बनाने वाले हैं अगर इनको मौका मिलता है तो। इसके बाद अगर बात करें तो बॉलर्स की इनके पास भरमार है, तो प्रवीण दुबे हैं इनके पास हैं विकी ओसवाल, एंडरसन हो गया, कुलदीप यादव, लुंगी नेगड़ी, खलील अहमद, उसके बाद ईशांत शर्मा, मुकेश कुमार, इसके बाद फिर इन्होंने रशिक दर को लिया है, और जाय रिचर्डसन की वापसी हुई है आईपीएल में, जो कि आपको दिल्ली कैपिटल्स की टीम से सीजन खेलते हुए दिख जाएंगे, लेकिन क्या खेलने का मौका मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। इसके बाद अगर हम बात करें ऑलराउंडर्स की, तो इनके पास हैं टोटल चार, जिसमें है अक्षर पटेल, उसके बाद है ललित यादव, इसके बाद है मिचेल मार्श एंड है सुमित कुमार। सो ये इस टीम का कंप्लीट स्क्वाड नजर आता है। अब अगर बात करें हम ऋषभ पंत की, क्या ऋषभ पंत को खेलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या खेलने के लिए तैयार होंगे, इसका सीधा जवाब है हां, ऋषभ पंत आपको आईपीएल 2024 खेलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन विकेट कीपिंग नहीं करने वाले वो, एज अ प्रॉपर फील्डिंग नहीं करेंगे वो, प्रॉपर प्लेयर के तौर पर नहीं खेलेंगे, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आपको अंदर बाहर होते हुए दिखेंगे। पहले बल्लेबाजी आ जाती है तो फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 के मेंबर होंगे। इसके बाद अगर बाद में बॉलिंग आती है तो फिर एक बॉलर को बाहर कर यहां पर ऋषभ पंत का एडिशन किया जा सकता है। सो अब बात करें प्लेइंग 11 की, प्लेइंग 11 टीम की कैसी नजर आती है, तो वहां पर भी काफी कुछ है इस प्लेइंग 11 बताने के लिए। तो ओपनिंग करते हुए आपको नो डाउट एंडली दिख जाएंगे डेविड वार्नर, उनके साथ पृथ्वी शॉ के लिए मौका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज अब अगर अच्छा नहीं किया तो T20 वर्ल्ड कप तो छोड़िए, आपका फ्यूचर भी खतरे में आ सकता है, और इवन आपकी आईपीएल में प्लेइंग 11 में स्पॉट भी खतरे में आ सकती है, बिकॉज यश धूल बाहर बैठे हैं, उनको भी मौका चाहिए। तो ये आपके सीजन ओपनर दिखाई देंगे, खासकर स्टार्टिंग मैचेस में तो दिखाई देने ही वाले हैं। और इसके बाद अगर बात करें नंबर तीन पर नो डाउट एंडली मिचेल मार्श आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। नंबर चार की बात करें तो यहां पर ऋषभ पंत आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। नंबर अगर बात करें पांच की, नंबर पांच पर दो ऑप्शन रहने वाले हैं, और वो दो ऑप्शन रहेंगे दोस्तों कुमार कुशाग्र या फिर अभिषेक पोरल। लास्ट सीजन अभिषेक पोरल ने कुछ मुकाबलों में अच्छा किया था, कुछ पोटेंशियल उनके अंदर नजर आया था, लेकिन कुमार कुशाग्र का सिनेरियो इसलिए थोड़ा स्ट्रांग लगता है बिकॉज उनको ज्यादा पैसे देकर खरीदा है, विश्वास उन पर भी ज्यादा होगा। तो यहां पर दोनों में से कोई एक आपको खेलता हुआ दिख जाएगा। अगर बात करें फिर नंबर छह पर भी दो ऑप्शन दिखाई देने वाले हैं, दोनों में से कोई एक खेलेगा, ट्रिस्टन स्टब या फिर हैरी ब्रूक। बेटर चांसेस हैं हैरी ब्रूक आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, लेकिन अगर ट्रिस्टन स्टब को खिलाते हैं तो फिर आपको एक विदेशी विकेट कीपर के तौर पर भी आप जुड़ सकते हैं उनके साथ, वरना आपको अभिषेक पोरल या फिर कुमार कुशाग्र से ही विकेट कीपिंग करानी पड़ेगी। इसके बाद अगर बात करें फिर हम अनदर नंबर 7 की, तो नंबर 7 पर नो डाउट एंडली किसी को भी डाउट नहीं होगा, अक्षर पटेल आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। नंबर 8 की बात करें फिर नंबर 8 पर खलील अहमद आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। नंबर 9 की बात करें तो यहां पर कुलदीप यादव। नंबर 10 की बात करें तो नंबर 10 पर नो डाउट एंडली एंड्रिस नोकी आपको नंबर 10 पर खेलते हुए दिख जाएंगे। और नंबर 11 की बात करें तो यहां पर आपको मुकेश कुमार खेलते हुए दिखेंगे। अब अगर इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो अगर इनको बॉलर्स में जरूरत पड़ती है तो फिर यहां पर ईशांत शर्मा का सिनेरियो सबसे ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है, लेकिन अगर इनको बल्लेबाजी में जरूरत पड़ती है, मान लो किसी दिन की बैटिंग एक्सपोज हो जाती है, तो वहां पर ये ललित यादव का भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, बिकॉज आपको बैटिंग ठीक ठाक करके देंगे, उसके बाद आपको एक दो ओवर बॉलिंग से भी आपको मैच में थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आ सकते हैं। सो ये इस टीम की परफेक्ट प्लेइंग 11 दिखाई देने वाली है। आप बताइए आपको आपके हिसाब से इस प्लेइंग 11 में कौन से खिलाड़ी की कमी लगती है, या फिर कौन सा खिलाड़ी यहां पर आपको लगता है कि वो इंक्लूड होना चाहिए, तो अपने राय जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।